वेलकम आरआरबी एनटीपीसी। इस एग्जाम के लिए रीजनिंग के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करने के बाद आपको आगामी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रीजनिंग में थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम को समझने की जरूरत है, फिर आप आराम से बनाएंगे और ये आपका स्ट्रांग साइड बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, एंजॉय करेंगे, वेन डायग्राम से हम लोग शुरू करते हैं। आइए, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमरसर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एक एक करके। न सिर्फ कि ये सभी आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ और भी जो क्वेश्चंस उठते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इंग्लिश हिंदी का सवाल हमेशा आपको लगता है, तो क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे, साउथ इंडिया के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी, और उनको मैं हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी मीडियम वाले को क्यों दिक्कत होगी, ट्रांसलेशन साथ साथ चलेगा। आइए देखते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, इसको स्टडी कीजिए एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, और इसके आधार पर आप आंसर दें। क्या है, देखिए, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है पर्संस हु लाइक रीडिंग। रीडिंग को जो लोग पसंद करते हैं वो ट्रायंगल के अंदर है, यानी ट्रायंगल के अंदर है वो रीडिंग को पसंद करते हैं। कितने लोग, तो ये 36 नहीं आएगा रीडिंग में, ये 26 नहीं आएगा रीडिंग में, ये सभी आएंगे। सर्कल, ये उन पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं जो साइकिलिंग को लाइक करते हैं, साइकिलिंग को पसंद करते हैं, साइकिलिंग। तो सर्कल क्या है, ये वाला साइकिलिंग, जब भी बोलेंगे यही 3 आएंगे, 26, 31 एंड 12, साइकिलिंग को पसंद करने वाले इस सर्कल के घेरे में है। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर persons who like trekking, trekking को पसंद करने वाले से स्क्वायर के अंदर हैं, यानी 12 हैं, 28 हैं, 36 हैं, समझ गए। इसके आधार पर पहले हम लोग जो 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आए उनको सॉल्व करते हैं, फिर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल, हाउ मेनी persons who like reading, रीडिंग को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो रीडिंग किसको बोलते हैं, रीडिंग ट्रायंगल को बोलते हैं, और रीडिंग को पसंद करने वाले ट्रायंगल के अंदर आए, यानी इन सभी का सम। मैं लिख के भी दिखा दूंगा, लेकिन इतना लिखने वगैरह का टाइम नहीं रहता है, ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं। मैप में तो आपको दिखता ही है, सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है कि मैं 12 को 18 से 28 से ऐड करके 40 क्यों ना बना दूं, और जब ये 40 हो जाएगा तो मन करता है ये 44 है ना, 44 नहीं, ये 40 और ये 40 को ले लेते हैं तो 120 हो जाता है, 120 हो जाता है, और ये 4 2 6 3 9 1 10 130 हो जाता है, और ये 30 और 10 40 170 ना हो जाए, 170 ना हो जाए। आंसर क्या हुआ, 170। बताता हूं कैसे हुआ, जो भी ट्रायंगल है उसके अंदर बात हो रही है, यानी ऐसे हुआ 43 यहां पर था, 31 यहां पर था, 12 यहां पर था, 44 यहां पर था, 28 यहां पर था, 12 यहां पर था, इसको हमने कहा 40। अच्छा जो लगेगा वो करेंगे ना, इस 40 को ले लिया, इस 40 को ले लिया, तो 120 होने के बाद 10 जब हुआ तो बोले 130 एंड 30 एंड 10 यानी 170 क्यों ना बोले। ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रुपिंग का सिर्फ यही तरीका है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे, अच्छे नंबर, सुंदर सुंदर नंबर कैसे बनाएं उसके आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन।
How many persons who like trekking and reading but not cycling? Trekking and reading को जो पसंद करते हैं लेकिन cycling को पसंद नहीं करते, कुछ तरीका होता है question बनाने का। अब trekking को पसंद करते हैं तो ढूंढते रह जाएंगे, रीडिंग को पसंद करते हैं तो ढूंढते रह जाएंगे, नहीं नहीं, साइकिलिंग को पसंद नहीं करते तो साइकिलिंग को छोड़ देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। साइकिलिंग कौन है? सर्कल। सर्कल को देखना नहीं है, छोड़ दीजिए, यानी इन थ्री डेटा को छोड़ देना है, इसको देखना ही नहीं है, यानी देखना इन्हें है। ये नहीं होना चाहिए तो इनमें से कोई होना चाहिए, लेकिन ट्रैकिंग एंड रीडिंग दोनों को पसंद करते हैं तो सर्कल छोड़ देंगे अगर, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? ये तो कॉमन नहीं है, 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 सर्कल को छोड़ चुके हैं, सिवाय 28 के कौन है जो दोनों में है, ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, कौन है 28? ये बेस्ट वे है सॉल्व करने का, जिसको पसंद नहीं करते उसको पहले काट दीजिए, और दोनों में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये पहले ही कट चुका, ओनली 28। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा? ओनली 28, यहां पर लिखते हैं 28। बोलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरीका वही रहेगा। हाउ मेनी पर्संस हु लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग, नहीं बट नॉट ट्रैकिंग, यस, जो रीडिंग और साइकिलिंग को पसंद करते हैं, नहीं नहीं बाद में पसंद कीजिएगा, अभी नहीं, ट्रैकिंग को पसंद नहीं करते, पहले जो नहीं पसंद करते हैं बाहर जाइए। तो ट्रैकिंग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर से बाहर बात होगी, स्क्वायर से बाहर बात होगी तो ये हो सकता है और यहां से लेकर के ये सब हो सकता है। बोलिए स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, ये 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 ये, ये सोचेंगे ना, लेकिन दोनों को पसंद करेंगे सिवाय 31 के, कुछ नहीं होगा, तुरंत आंसर है इसके अंदर ना हो लेकिन बाकी दोनों के अंदर हो। ये तो बार है, ये बार है, ये बार है, ये बार है, ओनली 31 है जो ट्रायंगल और सर्कल दोनों के अंदर है, 31। तो फर्स्ट में 31 इज आंसर, प्रीवियस ईयर्स पेपर के मैं 15 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। क्या मैथमेटिक्स, क्या रीजनिंग, इवन जनरल स्टडीज, बस आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। अगला सवाल, ये दो बड़े शानदार क्वेश्चन है, मैंने अलग तरह से ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुपिंग ऐसे नहीं है, ये थ्री क्वेश्चंस थे, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया, नीचे भी ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने सेकंड क्वेश्चन में ही दो भाग कर दिया, थोड़ा बताने में लिखने में सुविधा के आधार पर। ये क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स, 27 है, ब्लैंक है, यहां पर डालना है, 3 है, ब्लैंक है, 19 है, ब्लैंक है, खाली जगह है, 10 है, और कुल मिला के 90 आना चाहिए, इन सिंबल्स को रखिए। अब देखिए इतना टाइम नहीं है सारा सिंबल को रख रख के सॉल्व कर करके देखें, कुछ तो इशारा होगा, इशारा है 90, तो जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक कहीं मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ ऐड करके तो होने वाला नहीं है, और देखिए कम से कम 3 जगह पर डिवीजन भी है, तो डिवीजन करने से तो छोटा हो जाएगा, छोटा होने के बाद ऐड करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन बड़ा मैटर करता है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा मैटर करता है। आप देखिए यहां पर डिवीजन है ही नहीं, इसमें हर किसी में डिवीजन हो जरूरी नहीं, 3 में डिवीजन है, तो ऐसा है कि 90 तो एक सुंदर नंबर है ना,
और 10 भी एक सुंदर नंबर है। तो ये बताता है कि 90 जो आएगा, ये जो फाइनली 10 है यहां पर, 10 ऐड या सब्ट्रैक्ट होके होगा, यहां पर गुना होना नहीं होगा और यहां पर डिवीजन नहीं हो सकता। 19 से कैसे भाग देंगे? जरा देखिए, यहां या तो प्लस माइनस में से कुछ होगा, समझ में आ रहा है, और ये डिवीजन नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन भले हो सकता है, लेकिन ये फिर 27 ऐसा है कि 7 को हम कैसे जीरो बनाएं? इशारा है 27 × 3, 27 × 81, 81 का ये भी इशारा है, क्योंकि अगर आप इंटू नहीं करते तो डिवीजन तो है भी नहीं, और इसको ऐड कर सकते हैं 30। तो ऐड करने के बाद क्या कीजिएगा? कोई चांस नहीं। यहां पर इंटू 27 × 3 = 81, 81 + 19 = 100, 100 - 10 = 90, यस, इंटू इसके बाद यहां पर प्लस और ये माइनस। जल्दी बोलिए, 2 का 1 में क्या हो रहा है? 27 के बाद होना चाहिए इंटू 3, फिर प्लस 19 और फिर माइनस 10, सो दैट की 81 है, ये 19 है, ये 10 है। माइनस 10 तो हमने बाद में देखा, अदरवाइज ऐसे रहेगा तो हम लोग पहले तो 10 लेस कर देंगे, लेकिन नहीं है ना, हमें तो इसको देखना था और यहां के बाद 19 पर ध्यान जा रहा था, इसलिए सॉल्व करने का जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, ये 100 माइनस 10 हो रहा था, दैट मीन्स 90। तो आंसर क्या हुआ? डी, आंसर हुआ डी, जिसमें इन टू प्लस और माइनस है। ठीक है, बोलिए, ये समझ में आया? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ऐसा ही, फिर आप थोड़ा गौर कीजिए। 44 है, ब्लैंक है, 4 है, फिर 7 है, इस 7 वगैरह कुछ इशारा करते हैं, 5 है, 7 + 5 = 12 भी होता है, 82 है, क्योंकि 2 तो आना है ना, 82। और आप जरा गौर कीजिए, डिवीजन हर जगह है, तो यहां डिवीजन दे सकते हैं क्या? क्या होगा डिवीजन देके? कहीं कैंसिल होगा, इनटू भी देखिए क्या होगा, डिवीजन यहां दे सकते हैं, यहां डिवीजन दे सकते हैं, आंसर हो गया। डिवीजन हर जगह है और डिवीजन इन दो जगहों पर दे ही नहीं सकते, तो डिवीजन के लिए इसके अलावा क्या बचता है? इसके अलावा इनटू करने पर ये इतना बड़ा नंबर होगा कि फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 82 नहीं आने वाला, दरअसल 4 से डिवाइड करेंगे, 11 82 होना है, 11 × 7 = 77 + 5 = 82। आप गौर कीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये 44 है, ब्लैंक है, 4 है, ब्लैंक है, 7 है, ब्लैंक है, और 5 = 82। ये हमें डिवीजन करना होगा ताकि 11 हो, और इनटू 7 करना होगा प्लस 5, यानी कि 82। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? डी इज द आंसर। डी का जो डिवीजन है, इनटू है और प्लस है, ये आंसर हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो दूसरों पर आपको लीड दिलाएगा, क्योंकि ये बनाना आसान नहीं है। जब तक आप नंबर्स एंड ऑपरेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जानते, उसको समझते नहीं उस सिस्टम को। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग के ये 3 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में भी आएंगे, मैं बताता हूं बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कोड फॉर मदर इज JRQKBW, देन व्हाट इज द कोड फॉर प्रिंसिपल, पूछा है। तो हम फिर इसमें देखते हैं तो कुछ समझ में आता है। ये M है, J है, M का J के साथ कुछ संबंध है। सबसे पहला काम कि इसके फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रिलेशन देखते हैं, अगर ये नजर नहीं आता तो फर्स्ट का लास्ट के साथ देखते हैं कि शायद ऐसे हो,
जनरली 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि इसका इसके साथ चलेगा या लास्ट से चलेगा, चेंज हो सकता है तरह तरह से। तो एम और जे, तो जे के एल एम, मतलब जे के बाद के एल एम, इधर से प्लस थ्री हो रहा है यानी इधर से माइनस थ्री हो रहा है, और ये ओ और आर है, ओ पी क्यू आर। यस, नहीं समझे? देखिए 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 देखिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये है मदर, एम ओ टी एच ई आर, और हमसे पूछा है प्रिंसिपल। इतना करना भी नहीं पड़ेगा, समझ में आने के बाद तो बस तुरंत हो जाएगा, अगर सिस्टम समझ में आ गया तो। देख रहे हैं ऑप्शंस में भी पहला से दूसरा जाते जाते आपका आंसर है। आप जरा देखिए, जे है, आर है, क्यू है, के है, बी है और डब्ल्यू है। तुम क्या देख रहे हैं? इधर की ओर थ्री, प्लस थ्री, और इधर की ओर थ्री, क्यू, आर एस टी, इधर की ओर थ्री, एच आई जे के, इधर की ओर थ्री। तो पहला क्या है? उधर से होगा यानी इधर से होगा, इधर से होगा प्लस थ्री। अगर हम एम रखें, एन ओ पी, और आर के बाद एस टी यू, और ऐसे ही चलेगा, एम और यू से ही तो पता चल जाएगा। यस, दिस इज आंसर। जरूरी नहीं है कि इसमें आप सबका सब निकालने जाएं। सी इज द आंसर। देखिए ये करने की क्या जरूरत है फिर यहां पर कि करें हम यहां F G H I, क्यों करें? प्लस थ्री, माइनस नहीं करना चाहते, प्लस करना चाहते हैं, प्लस करना अच्छा लगता है, माइनस वापस जाने में दिक्कत होती है, उल्टी गिनती आती नहीं है, सीधी गिनती जितना बोलिए काउंट कर लें। बोले ये समझ में आ रहा है? तो आंसर हो गया, थर्ड नंबर हो गया। इसके बाद आ जाइए फोर्थ नंबर। इफ ए इज इक्वल टू वन एंड ओ ए आर इज इक्वल टू 34 लिखा हुआ है तो ये क्या है? देन आर ओ ए आर इज इक्वल टू व्हाट? तो एक बात आप समझिए, ए इक्वल टू वन है तो तुरंत दिमाग में जाता है कि हम लोग इसको जो जानते हैं ई जो टी, ये बहुत काम का है। दो बातों को समझना है, ये फिफ्थ होता है, ये टेंथ होता है, ये फिफ्टींथ होता है, ये ट्वेंटियथ होता है, ये 25th होता है, शुरू से पांचवा और 27 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 26 लेटर्स होते हैं प्लस वन, क्योंकि एक को दो बार काउंट करना होता है। तो देखिए ना, इधर से आप बोलेंगे फिफ्थ है ना, शुरू से ए बी सी डी ई, तो उधर से काउंट करेंगे तो 27 में 5 लेस कीजिए, 22nd, उधर से 22वां, देखिए ये 25वां है ना, उधर से 27 माइनस 5 कीजिए 2 सेकंड, जेड वाई। ये दो रिलेशन है, इसके आधार पर ही आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ए का मतलब 1 है, ये है भी कि नहीं पहले समझना होगा। ए का मतलब 1 है तो हमें दिखता है कि यस, यहीं से ए का मतलब 1 आया। हम लोग देख रहे हैं कि ए का मतलब 1 है तो हम लोग को दिखा कि हाँ यहीं से 1 आया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मे बी मे नॉट बी, तो ओ ए आर है, तो ओ ए आर इक्वल टू 34 लिखा है तो क्या है? ओ, ओ का मतलब 15 है, देखिए ए का मतलब 1 है, और आर तो टी 20 होता है, तो एस टी 2 ज्यादा है ना, तो ये क्या हुआ 18। अगर ये वैल्यूज हमारे सही हैं तो इनको ऐड करने से 34 होता है जो कि यहां पर दिया है, यानी यही रिलेशन वहां पर लागू हो रहा है। और जब आपको रिलेशन का पता चल गया तो आप आसानी से बता सकते हैं
कि आर ओ ए आर क्या होगा। आर का वैल्यू तो आप यही जानते हैं 18, प्लस ओ का वैल्यू भी यही जानते हैं 15, ए का वैल्यू यही जानते हैं 1 और प्लस 18। सॉल्व थोड़ा ढंग से करते हैं, 18 का डबल अच्छा लगता है 36, 36 हुआ तो 15 बोले 51 प्लस 1 52, 52 इज आंसर, सो ए इज आंसर। आप गौर कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी कोई फैक्टर नहीं है, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं वहां इंग्लिश हिंदी दोनों और बढ़िया से बताऊंगा, समझ में आएगा ठीक है। ये हो गया और इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिए इफ आर यू एन, रन मत पढ़िए कुछ भी हो सकता है, आर यू एन 182114, समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 लेटर्स हैं 6 कैसे हो गए, हो सकता है वही जो ईजोटी हमने लिखा था यहां मिटा दिया, कहीं उसी से हो बी आई एन, तो बी और 2 देख करके मन में ये कौन था कि कहीं ये बात वही तो नहीं है फिर से, लेकिन पहले कंफर्म होना होगा ईजोटी है कि नहीं देखना होगा, जरूरी नहीं कि ये है, हम ये जानते हैं कि ये फिफ्थ है, ये टेंथ है, ये फिफ्टींथ है, ये 20th है, 25th है, चेक करते हैं आर यू एन वो है कि नहीं, आर यू एन तो यहां लिखा हुआ है 182114, तो आर का मतलब 18 है, अच्छा ठीक है, यू तो टी 20 होता है तो 21 हुआ, यस ये भी सही है, और एन तो देखिए ओ क्या है 15, तो एन ओ यानी 14, यस आर मीन्स 18, यू मीन्स 21, एन मीन्स 14, ये पक्का है, और बिन का मतलब पूछा है यानी हम बता सकते हैं आर का मतलब 18 है, यू का मतलब 21 है और एन का मतलब 24 है, इजूटी का यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो पोजीशन है कौन सा स्थान वो मैटर करता है, तो हमें बताना है बिन, बिन तो हम आसान से बता सकते हैं बी का मतलब 2 हुआ, जे यहां है आई जे यानी ये 9 हुआ, और एन तो एन का वैल्यू तो यहां भी लिखा हुआ है 14, तो ये 14 हुआ, 2914 हुआ कि नहीं, यह है, चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, क्या जरूरत है, हमें जो देखना है वो देखते हैं ना, बी आर आई एन जी, इन्हीं रिलेशंस को यूज कर सकते हैं, बी 2 है तो ये 2 होना चाहिए, आर यहां पर 18 है तो वही होना चाहिए 18, आई 9 है तो 9 होना चाहिए, एन 14 है तो 14 होना चाहिए, और जी यहां नहीं है, जी यहां पर देखिए जी क्या होगा वो भी देखने की क्या जरूरत है, 2189 देखते देखते तो आंसर हो जाएगा, कहीं है क्या 218 तो है नहीं, 2189 यहां देखते देखते तो आंसर हो गया, क्यों करें 218914 7, तो उसको ऐसा भी होना है 5 है ना, ई एफ जी 7 होगा कि नहीं, तो आंसर क्या हुआ ए नंबर ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस बार ये जॉब आपको चाहिए, मैं देखता हूं अगला एक वीडियो बनाऊंगा उसमें जो जॉब प्रेफरेंस है वो बड़ा मायने रखता है और वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके सिलेक्शन को के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा कि किस जॉब का क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, जोन पर मैं ज़्यादा जोर नहीं देता, जॉब उस पर जोर देता हूँ, इसका बड़ा महत्व है, अगले एक वीडियो में जल्दी ही मैं बनाऊँगा, ओके ऑल द बेस्ट।